हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू एग्जाम वॉरियर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज हम लोग स्टैटिक जी के का नया कुछ सत्र लेके आपके सामने हाजिर है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया और ये जो सब सेक्शन अंडर द जीएस पे सेक्शन बी इंडियन नेवी एमआर का टॉपिक, जो कि हुज एंड हु के तहत इम्पोर्टेंट मायने रखता है। हम लोग जानेंगे इसमें शॉर्ट ट्रिक जो कि स्टैटिक जीके के लिहाज से बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इतने सारे स्टैटिक जीके को याद करना कोई छोटी बात नहीं है। तो फिर हम लोग देखेंगे इस वीडियो में हम लोग कैसे याद रख सकते हैं कुछ भी चीज जिसको हम लोग बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजी में। इसको बोला जाता है मेमोनिक्स। मेमोनिक्स के तहत हम लोग देखेंगे कि कोई भी भाग इतनी इजी आसानी तर आसानी आसानी से हम कैसे इसको ग्रैब कर सकते हैं। देखिए, पढ़ते तो सभी हैं, मगर आसानी से उसको याद रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम लोग टॉपिक में स्विच करें, उससे पहले हमको जानने की जरूरत है आज का इतिहास, जो कि स्वामी विवेकानंद का 118वीं डेथ एनिवर्सरी है। जो स्वामी विवेकानंद के बारे में जानेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था। 12 जनवरी 1857 में इनका जन्म हुआ, और इनका जो बचपन का नाम था, इनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता। और ये जो भिक्षुक बने, और इनका नाम परिवर्तन हुआ तभी जब उनका नाम परिवर्तन होके नरेंद्र नाथ दत्ता से इनका नाम परिवर्तन होके स्वामी विवेकानंद हुआ। और जब ये 39 ईयर्स के थे तभी इनका देहांत हो गया। अब इनका देहांत कैसे हुआ? जब ये तपस्या करने गए, तपस्या करते करते ही इन्होंने महासमाधि ग्रहण कर लिया। इन द सेंस, यह तपस्या करते करते ही अपना देह त्याग करके चले गए, और यही दिन मनाया जाता है इनका डेथ डेज, जो कि है जुलाई 4, 1902। और हम लोग जानेंगे इनका विचार क्या था, इनका कोट क्या है। इन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द हार्ट एंड द ब्रेन, फॉलो योर हार्ट। कभी भी अगर आपको दुविधा हो, अपने दिल की सुनो या फिर अपनी ब्रेन दिमाग की सुनो, तो फिर हमेशा आपको अपने दिल की सुननी चाहिए। यही था स्वामी विवेकानंद का कोट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आज के दिन ही पिंगाली वेंकैया का डेथ डे मनाया जाता है। आज के दिन ही देहांत हुआ था पिंगाली वेंकैया का, जो कि जन्मे थे 2 अगस्त 1876 से 4 जुलाई 1963, और यही थे इंडियन फ्रीडम फाइटर एंड डिजाइनर ऑफ आवर इंडिया इंडियन फ्लैग। ठीक, और ये जो थे, इन विच द इंडियन नेशनल फ्लैग वॉज बेस्ड, और इनके डिजाइन के ऊपर ही बेस किया गया, बेस है हमारा इंडिया का नेशनल फ्लैग। और इनका जो मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर पिंगली वेंकैया का ये डिजाइन था, और इनका जो डिजाइन था, और इनके डिजाइन में टॉप बैंड सैफ्रॉन जो कलर है, ये शो करता है आपका स्ट्रेंथ एंड करेज को। जो मिडिल बैंड व्हाइट कलर है, वो शो करता है शांति, ट्रुथ एंड धर्म चक्र, ये बीच में जो है ये धर्म चक्र है। एंड देन आफ्टर द ग्रीन बैंड, जो नीचे का बैंड है, वो शो करता है आपको फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ऑस्पिशियसनेस ऑफ द लैंड, मतलब हरा रंग देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आज के दिन ही मैडम क्यूरी का देहांत हुआ, जो कि जन्मी थी 7th ऑफ नवंबर इन वार्सो रशियन एम्पायर में, और आज के दिन ही निधन हुआ 4th जुलाई 1934 एट द एज ऑफ 66 मैडम क्यूरी का देहांत हुआ। और इनका देहांत का मूल उद्देश्य क्या था, मतलब एक्चुअली में इनका देहांत कैसे हुआ, एक्चुअली में इनका देहांत हुआ एप्लास्टिक एनीमिया की वजह से, क्योंकि जब ये मतलब एक्चुअली में ये रिसर्च कर रही थी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के ऊपर, और इनका आदत था कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने पॉकेट में ट्यूब में लेके जाके मतलब लेके घूमने का, और उसी से इनको क्या हो गया, एप्लास्टिक एनीमिया, और इसी के एक्सपोजर की वजह से इनका देहांत हो गया। और यही है ओनली फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज ऑन 1903 इन फिजिक्स। ये पहली महिला है जो जिनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला 1903 में फिजिक्स के ऊपर। चलिए
इसके बाद हम लोग डायरेक्ट टॉपिक में एंटर करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है हुज हु, जो कि स्टैटिक जीके के लिहाज से पहला ही चैप्टर है। हमें जानने की जरूरत है कौन है हमारा कैबिनेट मिनिस्टर। चलिए इससे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हमारे प्रेसिडेंट के बारे में। हमारा प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद, और वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू, एंड देन आफ्टर हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। अगर कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करें, हम लोग यहाँ पर इसको इजी वे में पढ़ेंगे। एक्चुअली में हम लोगों ने पहले ही बताया था कि इसमें हम लोग द इजी वे ऑफ लर्निंग से पढ़ेंगे। और इजी वे ऑफ लर्निंग से कैसे पढ़ेंगे, आप लोग पहले इस वर्ड को देखो, राजनाथ सिंह। आपको यहाँ पर राजनाथ सिंह दिख रहा है, आपको यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर दिख रहा है। देखिए आपका दिमाग आसानी से कुछ भी कैच कर सकता है अगर वो बात फालतू है। अगर मैं आपको पहले गाना का लाइन बोलूं तो उसके बाद वाला लाइन आप खुद ब खुद बोल दोगे। ऐसे ही आपका दिमाग हर टाइम नेगेटिव बातें को ही ज्यादा एक्सेप्ट करता है। इसी की वजह से मैं यहाँ पर जो भी बोलूंगा ये वास्तव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मगर इसका आंसर जो आएगा, मतलब जो इसका आउटकम आएगा, वो वास्तव ही होगा। देखो यहाँ पर पहली बात, हमारा ब्रेन के साथ हमें गेम खेलना है। अब हमारे ब्रेन के साथ हमें गेम कैसे खेलना है, देखिए पहले हमें जो भी वर्ड मिले इसको हम लोग इमेज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर इमेज फॉर्म में ये कन्वर्ट हो रहा है तो फिर सही है, अगर ये इमेज फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। इसी को बोलते हैं मेमोनिक्स। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग बताओगे कि यहाँ पर राजनाथ सिंह है, क्या आप लोग को यहाँ पर कोई इमेज दिख रहा है? अब जैसे ही आपको राज दिखेगा तो फिर यहाँ से मेरे को एक इमेज दिखा कि यहाँ पर है राजा, ये राज से राजा बन सकता है। अब जैसे ही राजा बना तो आप लोग अपने दिमाग में एक चीज बैठा लो कि जैसे ही राजा बनाइए तो राजा किसकी रक्षा करता है? अपनी प्रजा की रक्षा करता है। राजा अगर अपनी प्रजा की रक्षा करता है तो ये राजनाथ से क्या हुआ, रक्षा मंत्री, मतलब डिफेंस मिनिस्टर। देखो कुछ भी याद करने की जरूरत पड़ी, नहीं जरूरत पड़ी। कैसे, राजा किसकी देखभाल करता है, अपनी प्रजा की, मतलब रक्षा करता है अपनी प्रजा की। जैसे यहाँ पर मैंने मेमोरी लिंक आपके लिए, आपको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर मेमोरी लिंक लिख दिया है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर मेमोरी लिंक देखोगे, राजा प्रजा की रक्षा करता है, और यहाँ पर राजा से क्या हुआ, राजनाथ सिंह, और प्रजा से क्या हुआ, प्रजा से प्रजा की रक्षा करता है। रक्षा करता है मतलब डिफेंस, प्रजा की ही तो डिफेंस करता है राजा, तो फिर राजनाथ सिंह से हुआ क्या, रक्षा मंत्री, मतलब डिफेंस मिनिस्टर। चलिए अमित शाह की बात करें तो अमित शाह है हमारे होम मिनिस्टर। अब अगर इसका मेमोरी लिंक बनाने की कोशिश करूं मैं, तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर मिला आपको अमित। देखो अमित शाह तो सबको पता है कि ये होम मिनिस्टर है, इसको अलग से बोलने की किसी को जरूरत नहीं है। फिर भी मैंने इसको कोड में बना दिया है अमित। अमित से यहाँ पर मुझे दिखा अम्मी। अम्मी मतलब माँ। माँ घर की मिनिस्टर होती है, मतलब घर की होम मिनिस्टर कौन है, आपकी मम्मी है। अगर आपकी मम्मी घर की होम मिनिस्ट्री है तो यहाँ पर अम्मी से हुआ अमित, और घर की मिनिस्ट्री से हुआ होम मिनिस्ट्री। तो फिर आपको जैसे ही ये इमेज दिखेगा अम्मी, तो फिर आप लोग फटाक से बता दोगे क्या ये कौन है, होम, मेरी मम्मी तो होम मिनिस्टर है। नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग देखेंगे नितिन जयराम गडकरी। नितिन जयराम गडकरी की बात करें तो फिर ये कौन है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री, एंड देन आफ्टर ये और एक मिनिस्ट्री संभालते हैं जो कि है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज मिनिस्ट्री। देखिए ये अभी न्यूज में बहुत ही चर्चा में है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज मिनिस्ट्री। ठीक, तो इसको ये जो मिनिस्टर है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछे जाने की ज्यादा से ज्यादा चांस है। तो फिर देखिए आप, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, आप लोग जैसे ही नितिन जयराम गडकरी देख रहे हो, नितिन जयराम गडकरी, ठीक,
आपको यहाँ पर नितिन से क्या कोई इमेज दिखा? नहीं दिखा, हटा दो इसको। गडकरी से कोई इमेज दिखा? नहीं दिखा, हटा दो। जय राम से दिखा, आपको पता है राम भगवान है और सभी जय जय राम का नारा लगाते हैं। तो फिर अगर यहाँ से आपको इमेज दिख गया तो फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व्ड। यहाँ से अगर आपको इमेज दिख गया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व्ड। कैसे सॉल्व्ड? आप बताओगे कि राम राम भगवान जब हमारे भारत से लंका की तरफ जा रहे थे तब उन्होंने रास्ता बनाया था, ब्रिज बनाया था, रोड बनाया था ट्रांसपोर्ट के लिए। यस और नो? जरूर बनाया था। और कैसे बनाया था? छोटे बड़े मीडियम साइज के पत्थर को लेके जाके वहां पर जमा कर दिया था और जमा करने के बाद ही बना दिया था एक पुल, बांध, ब्रिज। ठीक। और राम राम ने ही बनाया था और उसी के ऊपर हनुमान हनुमान ने क्या लिखा था? हनुमान बा हनुमान के जो भक्त है जय श्री राम लिख रहे थे पत्थर के ऊपर ही। तो जय राम से क्या हुआ? रोड, ट्रांसपोर्ट, हाईवे, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज मिनिस्टर। ठीक। माइक्रो स्मॉल मीडियम मतलब छोटा बड़ा मीडियम साइज का पत्थर लेके जाके हाईवे बनाया किसने? राम भगवान ने। तो फिर आपको जैसे ही रोड, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे दिखेगा तो फिर आपको यहीं से दिख जाएगा जय राम। तो फिर आपको पता चल जाएगा नितिन जयराम गडकरी किसके मिनिस्टर है? रोड, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के मिनिस्टर कौन? नितिन जयराम गडकरी। ऐसे ही हम लोग आगे देखेंगे तो फिर डीवी सदानंदा गौड़ा। डीवी सदानंदा गौड़ा की बात करेंगे तो ये क्या है? केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री है। अच्छा, यहाँ पर देखिए नितिन जयराम गडकरी, ये है फोटो नितिन जयराम गडकरी का। अगर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो फिर डीवी सदानंदा गौड़ा देखेंगे। डीवी सदानंद गौड़ा कौन है? केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर है। इसका मेमोरी लिंक कैसे हम लोगों ने बनाया? देखिए, आपका अगर खेती बाड़ी होता है, आपके घर में अगर खेती बाड़ी होता है तो फिर आपका घर का खेती बाड़ी के लिए डेवलपमेंट के लिए मतलब आपका घर का खेती बाड़ी का डेवलपमेंट करने के लिए आपको सदा आपको हमेशा हमेशा का यहाँ से क्या तात्पर्य है? सदा। हमने ये वर्ड को ब्रेक कर दिया और यहाँ से निकला क्या? सदा। और सदा से क्या हुआ? आपको अपनी खेती बाड़ी का डेवलपमेंट करने के लिए सदा क्या यूज करना पड़ेगा? फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा और उसी के साथ साथ केमिकल भी छिड़काव करने पड़ेंगे। इसका मतलब डेवलपमेंट सदा केमिकल एंड फर्टिलाइजर से होगा। जैसे ही आपको केमिकल एंड फर्टिलाइजर दिख जाएगा तो फिर आपको यहाँ से दिख जाएगा क्या होगा? ये डेवलपमेंट हमेशा हमेशा मतलब सदा केमिकल एंड फर्टिलाइजर से होगा। डेवलपमेंट से हो गया क्या? डीवी। और सदा से हुआ सदानंदा गौड़ा। ठीक। ये है आपको मेमोरी लिंक इजीली अंडरस्टैंड। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर ये मेमोरी लिंक आप पढ़िए, देखिए। इसको हिंदी में भी है, देन आफ्टर इंग्लिश में भी है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन की बात करें तो ये कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर। मैंने यहाँ पर आपसे पहले ही बोल दिया था मैं जो बोलूंगा ये फालतू भी हो सकता है और वास्तव में भी हो सकता है। अगर ये फालतू है तो फिर आपका दिमाग जल्दी से जल्दी फालतू चीजें ही कैच करेगा। चलिए देखते हैं आगे की तरफ। हमें जैसे ही निर्मला सीतारमन दिखा, ये आपको पता है कि ये फाइनेंस मिनिस्टर है, मुझे भी पता है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री है, मगर इसको और आसानी से एक्चुअली में इसको आसान भाषा में कैसे याद रखा जाए यही हमारा क्वेश्चन है। पढ़ते तो सभी है मगर स्मार्ट जो पढ़ता है वही सक्सेस पाता है। तो चलिए, हमें स्मार्ट पढ़ना है, हमें हार्ड वर्क नहीं करना। ठीक। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सक्सेस की परिभाषा ही पूरी तरह से बदल जाए। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करने के बाद ही आपको अपेक्षा में रहना पड़ेगा कि मेरे मेहनत का फल मुझे मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत करना छोड़ दो। चलिए, यहाँ पर है मेमोरी लिंक सीताराम। देखिए, यहाँ पर हमें निर्मला सीताराम रमन मिला और निर्मला सीतारमन से क्या हुआ? सीताराम। सीताराम यहाँ पर सीताराम दिखा
अब सीताराम दिखा तो यहाँ पर सीताराम और सीताराम से ही हमने क्या किया, इसको लिंक कर दिया। अब सीताराम की फाइनेंस मिनिस्टर, सीता कौन है, राम की फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री कौन है, सीता, सीता है राम की वित्त मंत्री, तो सीता कौन है, राम की फाइनेंस मिनिस्टर। जैसे ही आपको फाइनेंस मिनिस्टर दिखेगा तो आपको दिख जाना चाहिए कि सीता राम, सीताराम, सीताराम से हुआ निर्मला सीतारमन। ठीक, नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग राम विलास पासवान। राम विलास पासवान कौन है, राम विलास पासवान है कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें दिख, यहाँ पर मिला हमें राम, राम दिखा, राम से तो ये कंज्यूमर अफेयर बनेगा नहीं, तो यहाँ पर हमें दिखा क्या, विलास, जिसको कुछ पाने की इच्छा हो, मतलब भरपूर मात्रा में जिसको खूब पाने की इच्छा हो उसी के अंदर विलास होता है। ठीक, तो इसको पाने की इच्छा है, क्या पाने की इच्छा है, इसको कंज्यूम कंज्यूम करना है क्या, फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो खाद्य पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है उसको ये क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। यहाँ पर जैसे ही आपको दिख जाएगा कंज्यूम, मतलब कंज्यूमर अफेयर या फिर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर, जो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो खाद्य पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसको पाने की विलासिता है किसको, राम विलास पासवान को। राम के अंदर विलास है सब अनाज कंज्यूम करने की। ठीक, ये हर टाइम सोचता है, एक्चुअली में ये वास्तव में नहीं है। यहाँ पर जो भी भाषा में बोल रहा हूँ, जो भी परिभाषा में दे रहा हूँ, इसका सब बना बनाया है, इसको वास्तव में लेने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको हम लोगों के दिमाग में कैप्चर करने के लिए ही बनाया गया है मेमोरी लिंक। राम का विलास है किस बात का, कंज्यूम करने का क्या, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का खाद्य, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो खाद्य है इसको कंज्यूम करेगा कौन, राम विलास। राम के अंदर इतना विलास है कि वो फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत जो खाना आया था उसको कंज्यूम कर जाएगा। ठीक, तो फिर कंज्यूमर अफेयर से क्या बना, राम विलास। जैसे ही आपको विलास दिखेगा तो फिर आप लोग बताओगे यहाँ पर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर। ठीक, नेक्स्ट नरेंद्र सिंह तोमर। आप लोग बताओ कि नरेंद्र मोदी जी, आप इसको रिलेट कर दो नरेंद्र मोदी जी से। नरेंद्र मोदी जी ने पैकेज की घोषणा की किसकी वजह से, एग्रीकल्चर की वजह से, फार्मर वेलफेयर की वजह से, रूरल डेवलपमेंट की वजह से, मतलब ग्रामीण क्षेत्र की विकास की वजह से ही नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी जी ने इसके इसके ऊपर फंड्स दिए। तो फिर किसके लिए दिए, एग्रीकल्चर के लिए दिए। जैसे ही आपको नरेंद्र दिखेगा तो फिर आप लोग यहाँ पर क्या बताओगे, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट। जैसे ही आपको एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट, देखिए आप एग्रीकल्चर खेती बाड़ी इसकी विकास के लिए जो भी पैसा मुआवजा दिया गया, ये किसकी तरफ से दिया गया, नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से दिया गया। तो फिर यहाँ पर आप लोग, इसकी मिनिस्ट्री कौन है, इसका मिनिस्टर कौन है, इसका मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर। मोदी जी हटा दीजिए, यहाँ पर इसका मिनिस्ट्री है कौन, नरेंद्र सिंह तोमर। जैसे ही आपको एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की बात दिमाग में आए तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए यहाँ पर कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट रविशंकर प्रसाद की बात करें तो रविशंकर, देखिए शंकर प्रसाद, यहाँ पर शंकर और यहाँ पर प्रसाद। जैसे ही आपने शंकर शंकर भगवान का प्रसाद खाया आपको न्याय मिल गया, और न्याय मिलने के साथ साथ आपको ये बात भी जरूर पता होगी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर कौन है, रविशंकर प्रसाद। आप लोगों को ये पता होगा कि इंजीनियर के स्टूडेंट ज्यादातर भक्त होते हैं किसके, शंकर भगवान के। ये सुनो, अगर शंकर भगवान के ज्यादातर भक्त होते हैं तो फिर शंकर का प्रसाद कौन खाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर एंड देन आफ्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी इंजीनियर ज्यादा इसका लुप्त उठाते हैं प्रसाद खा के। एंड जैसे ही आपको प्रसाद, शंकर भगवान का प्रसाद मिला तो फिर इन्होंने तो मजे लूटे ही, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर लोगों ने तो मजे लूटे। उसके साथ साथ किसने मजा लूटा, लॉ और जस्टिस, मतलब जैसे ही आपने प्रसाद लिया तो फिर आप लोगों को क्या हुआ, आपको
जस्टिस मिल गया। आपको जैसे ही आपने शंकर भगवान का प्रसाद लिया, वैसे ही आपको क्या मिला? जस्टिस मिला, न्याय मिल गया। ठीक, तो यहीं से हमें लिंक करना पड़ा लॉ एंड जस्टिस से। क्या हुआ? शंकर प्रसाद, शंकर भगवान का प्रसाद खाते ही हमें लॉ एंड जस्टिस मिल गया। और शंकर भगवान का प्रसाद कौन खाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर एंड आईटी इंजीनियर। ठीक, तो अब बताओ आप लोग कि लॉ एंड जस्टिस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर कौन? शंकर प्रसाद। शंकर के प्रसाद खाते हैं, जैसे ही शंकर का प्रसाद खाते हैं लॉ एंड जस्टिस क्लियर हो जाता है। देन आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन भी टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर भी क्लियर हो जाता है, तो फिर रवि शंकर प्रसाद इसके मिनिस्टर। नेक्स्ट, थावर चंद गहलोत कौन है ये? थावर चंद गहलोत की बात करें तो यहाँ पर ये है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक, सपोज मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि किसी ने आपके गाल पर थप्पड़ मार दिया। अचानक से आप जा रहे थे रास्ते में, तो अचानक से आपके गाल में किसी ने थप्पड़ मार दिया, तो थप्पड़ से क्या हुआ यहाँ पर? थावड़। ये थप्पड़ से क्या हुआ? थावड़। और जैसे ही आपके गाल में थप्पड़ मार दिया, तो आपने क्या मांगी? न्याय मांगी। और न्याय मांगी और आपके ऊपर जो दिन दहाड़े अत्याचार हुआ, उसकी वजह से आपने न्याय मांगी, तो फिर आपने क्या किया? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मांगी। ठीक, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट जैसे ही मांगी, तो फिर आपको किसकी वजह से सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिली? मतलब एम्पावरमेंट के लिए आपको गुहार लगाना पड़ा थप्पड़ की वजह से, और थप्पड़ से क्या बना? थवड़, थवड़ चंद गहलोत। जैसे ही आपको थप्पड़ याद आ जाए, तो फिर आपको ये भी याद आ जाना चाहिए कि थप्पड़ से मुझे क्या मिला था? सोशल जस्टिस मैंने मांगा था, और उसके साथ साथ मैंने एम्पावरमेंट भी मांगा था। जैसे ही मैंने सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मांगा था, तो फिर वहां से क्या बना यहाँ पर? थवड़, मतलब थप्पड़। नेक्स्ट, एस जयशंकर। शंकर भगवान एक्सटर्नल बाहरी जो मामले हैं वो सब भी निपटाते कौन है? शंकर भगवान। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, मतलब एक्सटर्नल जो बाहरी अफेयर है वो सब मिटाते कौन है? शंकर भगवान। आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि शंकर भगवान का प्रसाद खा के मुझे क्या मिला? लॉ एंड जस्टिस, और उसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर एंड आईटी इंजीनियर लोग क्या खाते हैं? शंकर भगवान का प्रसाद खाते हैं, तो फिर उसका मिनिस्टर हुआ शंकर प्रसाद, रवि शंकर प्रसाद। और जय शंकर प्रसाद जो है ये क्या देखते हैं? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है तो फिर ये बाहरी मामला देखते हैं, बाहरी मामला शंकर भगवान देखते हैं। ये आप आपके दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अर्जुन मुंडा, आपको पता होगा यहाँ पर कि मुंडा जो है एक ट्राइब्स है, एक ट्राइब से मुंडा। और मुंडा जैसे ही आपको दिखा, तो फिर ऐसे ही आपको पता चल गया कि मुंडा क्या है? एक ट्राइब है। एक ट्राइब जैसे ही पता चला, तो ये फिर किसके मिनिस्टर हुए? ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर। जो कि मतलब ये मुंडा जो ट्राइब्स है, ये ज्यादातर बांग्लादेश के बॉर्डर के साइड में एंड देन आफ्टर झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में ये मुंडा ट्राइब्स पाए जाते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि टोंट ट्राइब, खासी ट्राइब, वैसे ही ये एक टाइप का मुंडा ट्राइब्स है जिसका नाम है अर्जुन मुंडा। और अर्जुन मुंडा से क्या हुआ? ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? मुंडा। ठीक, चलिए ये है अर्जुन मुंडा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन मतलब यहाँ पर देखिए आपको दिखेगा यहाँ पर हर्ष। हर्ष मतलब क्या है? उत्साह, उल्लास। अगर आपके अंदर उल्लास है, उत्साह है, तो फिर आपका हेल्थ, आपका परिवार सभी ठीक ठाक ही रहेंगे। आपके अंदर अगर हेल्थ मतलब हर्ष है, मतलब उत्साह है, उत्साह से क्या बना यहाँ पर? उत्साह से बना हर्ष। उत्साह है तो आपका हेल्थ भी अच्छा होगा, और आपका हेल्थ अगर अच्छा है तो फिर आपका फैमिली भी अच्छा होगा, मतलब फैमिली का विकास भी अच्छे से होगा। और फैमिली का विकास और हेल्थ से क्या रिलेट किया हम लोगों ने? हर्ष। आपसे आपके अंदर अगर उत्साह है तो आपका परिवार और आपका भी हेल्थ अच्छा ही होगा। चलिए ये है डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट, आफ्टर आप लोगों ने देखा होगा कि पीयूष गोयल तो सबको पता होगा कि ये रेलवे एंड कॉमर्स इंडस्ट्री के मिनिस्टर है। नेक्स्ट हमें जानने की जरूरत है धर्मेंद्र प्रधान। धर्म, देखिए अभी तो धर्म संकट चल रहा है,
धर्म संकट किसकी चल रहा है? पेट्रोल की। पेट्रोल की इस कोविड 19 के सिचुएशन में पेट्रोल की भारी मात्रा में डिमांड कम हुई है, और जैसे ही डिमांड कम हुई है इसका दाम भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। देखिए आप किसके धर्म में पड़े हो, मतलब दिन के दिन पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, आप इसके धर्म में पड़े हो। आप सोच लीजिए कि आपके मतलब आपके लोकेलिटी में आप पेट्रोल का दाम बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो फिर आप किस में पड़े हो? धर्म संकट में पड़ गए हो, ये पेट्रोल के दाम को लेकर। और तो फिर धर्म संकट में किसको लेके पड़े हो? पेट्रोल के दाम को लेकर। तो यहाँ से धर्म संकट से हुआ धर्मेंद्र प्रधान, और यहीं से हुआ क्या? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड देन आफ्टर स्टील मिनिस्ट्री। ठीक, पेट्रोल से पेट्रोल का धर्म संकट है आपको, पेट्रोल तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और धर्म संकट से क्या बना, मतलब धर्म संकट से क्या बना? ये धर्मेंद्र। ठीक, देन आफ्टर आप लोग देखोगे यहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो ये है मुख्तार अब्बास नकवी। तो ये कौन है? ये है माइनॉरिटी मिनिस्टर। माइनॉरिटी मिनिस्टर की बात करें तो आजकल माइनॉरिटी वाले लोग मुक्त है। आजकल हमारे भारत में माइनॉरिटी वाले अल्पसंख्यक वाले आजकल फ्री है कहीं भी घूमने के लिए। आजकल फ्री है घूमने के लिए कौन? अल्पसंख्यक वाले। तो माइनॉरिटी वाले क्या है? मुक्त है। आज माइनॉरिटी वाले, ये माइनॉरिटी से क्या बना? माइनॉरिटी मिनिस्टर, और मुक्त से क्या हुआ? मुख्तार अब्बास नकवी। आप सिर्फ फर्स्ट लाइन याद रख जाओ, आपको तो ऑप्शन दिख ही जाएगा। आप डायरेक्ट जाके ऑप्शन को टिक मार देना, मुक्त है। जैसे ही दिखाया था माइनॉरिटी लोग आज मुक्त है कहीं भी घूमने के लिए, तो फिर जैसे ही मुक्त दिखेगा डायरेक्ट टिक मारो, मुख्तार अब्बास एंड नकवी। चलिए आगे की तरफ बढ़े तो फिर हमें दिखे प्रहलाद जोशी। देखिए अगर जो कोल माइंस में काम करते हैं, आपके दिमाग को बोलिए कि एक इमेज देखने के लिए जो कोल माइन में काम करते हैं उन लोगों में जोश भरा हुआ है। आप सोचिए, आपके दिमाग में एक बार सोचिए कि जो कोल माइंस में काम करते हैं, खदान में खोदते रहते हैं नीचे की तरफ, अब खोदते रहते हैं तो उनके अंदर क्या है? जोश भरा पड़ा है। अगर जोश भरा पड़ा है तो फिर यहाँ से क्या हुआ? कोल माइंस में तो काम करते हैं जो, उनके अंदर जोश भरा हुआ है, कोल माइंस से हुआ कोल माइंस मिनिस्ट्री, एंड जोश से हुआ प्रहलाद जोशी। क्लियर? जोशीले से हुआ प्रहलाद जोशी और कोल माइंस से हुआ कोल माइन मिनिस्टर। ये है प्रहलाद जोशी, कोल माइंस मिनिस्टर। नेक्स्ट, डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे। महिंद्रा, आप लोग एक बार एक दिमाग में आप सोचिए कि आपका आपके अगल बगल में महिंद्रा का कंपनी है, और महिंद्रा की कंपनी में आप लोग स्किल डेवलपमेंट के लिए गए हो, मतलब इंटर्नशिप के लिए गए हो। आप लोग इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, और इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद या फिर आईटीआई पढ़ रहे हो, और आईटीआई पढ़ने के बाद आप लोग इंटर्नशिप में कहाँ गए हो? महिंद्रा की कंपनी में। क्या करने? स्किल को डेवलप करने के लिए। स्किल को डेवलप करने के लिए आप कहाँ गए हो? महिंद्रा के कंपनी पे। और अगर आप महिंद्रा के कंपनी में स्किल डेवलप करने गए हो तो फिर आपको यहाँ पर क्या हुआ? डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे से क्या हुआ? स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री कौन है? महेंद्रनाथ पांडे। नेक्स्ट, ये देख सकते हो आप, ये है महेंद्रनाथ पांडे, डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे। नेक्स्ट आफ्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, यहाँ पर देख सकते हो ये है गजेंद्र सिंह शेखावत, और ये गजेंद्र सिंह शेखावत है जल शक्ति मंत्री। जल शक्ति मंत्रालय कौन संभालते हैं? गजेंद्र सिंह शेखावत। आप लोगों ने बहुत बार ही देखा होगा, आप लोगों ने नेशनल ज्योग्राफी में देखा होगा कि गज अपने नाक से उठाता है पानी और फेंकता है बहुत जोर से। यस और नो? अपने नाक से पानी उठाता है और फेंकता है, तो फिर गज में जल को उठाकर फेंकने की शक्ति होती है। जल को वो अपने नाक में लेता है और नाक से वो ऊपर की तरफ फेंकता है, तो इसकी शक्ति किसके पास है? गज के पास है। तो फिर गज मतलब हाथी के पास है, और जैसे ही आपको गज गज में जल को फेंकने की
शक्ति होती है, तो फिर जैसे ही आपको यहाँ पर दिखेगा गज में, तो गज में से हुआ क्या गजेंद्र, और जल से हुआ क्या जल शक्ति। गज में जल को, जल मतलब पानी, पानी से हुआ जल शक्ति, और गज मतलब हाथी, और गज से हुआ गजेंद्र सिंह शेखावत। दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा, तो आप लोग ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, इसको पूरा देखिए, एंजॉय करिए। उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आपको हुज एंड हु में कैबिनेट मिनिस्टर कभी भूल भी नहीं पाओगे। आपको जैसे ही कुछ भी दिख जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली उसी के बाद बता दोगे कि हाँ इसका आंसर ये है। आप लोग एक बार ट्राई करिए। ये सिर्फ सिर्फ कैबिनेट मिनिस्ट्री के लिए नहीं है, हम लोग जितने सारे स्टैटिक जीके का पोर्शन पढ़ेंगे सभी में हम लोग इसी टाइप का ही कंप्लीट करेंगे, ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, मेमोनिक्स की तरह ही इसको लिंक करके पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, शुभ रात्रि।